हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें और लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बेबी की कैप बनाना बताऊंगी कार्डबोर्ड की हेल्प से। बहुत इजी है इसको बनाना। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक प्लेन कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है। ये अप्रॉक्स मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर का लेंथ ली है और 12 सेंटीमीटर की मैंने विड्थ ली है। आप जिस साइज़ की कैप बनाना चाहें उस साइज़ का कार्डबोर्ड लें। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर मार्क कर रही हूँ। 1-1 सेंटीमीटर के गैप में मैं ऐसे विड्थ में ये पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ। तो ये 1 सेंटीमीटर के पॉइंट मैंने लगा लिए हैं। आप इसकी मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी। तो इस तरीके से हमको 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे स्ट्रेट लाइन बनानी है। बहुत इजी है, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये कि विदाउट निटिंग, विदाउट क्रोशे के बेबी की कैप बनाना मैं बताऊं। तो मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने ये लाइन खींच ली है 1 सेंटीमीटर के गैप पे। अब हम इस पे यहाँ पे एक कैप की शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सेंटर मार्क किया, अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट लिया है मैंने सेंटर का और सब का, क्योंकि हमको ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं चाहिए, अप्रॉक्स मेजरमेंट चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक साइड से बनाया और अब दूसरी साइड से, तो एक तरह से हम कैप की शेप बना रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने कैप की शेप बन गई है। तो जो आपकी कैप की शेप बनी है, इसको अब आप सीजर की हेल्प से कट कर लें। ध्यान रखें, जो आपकी कार्डबोर्ड की मेजरमेंट होगी वही साइज़ की आपकी कैप बनेगी। तो आप अपने बेबी का मेजरमेंट ले लें हेड की, पुरानी कैप का, और उसी हिसाब से कार्डबोर्ड के स्ट्रिप लें। और स्ट्रिप लेके आपको बनाने इसी तरीके से है बिल्कुल, बस आपको साइज़ वही रखना है जो आप बनाना चाहें। तो देखिए, ये एक तरह से बन गया है मेरा बेस। अब साइड में जो मेरी ये स्ट्रिप है, ये सबसे नीचे वाली, इसको मैं कट कर रही हूँ बिकॉज ये स्मूथ नहीं है। तो देखिए, ये हमारा बेस बना है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर में हमने लाइन मार्क की थी, यहाँ पे मैं एक वी शेप में कट करूँगी। तो इस तरीके से देखिए, वी शेप में हमको कट करना है लाइंस में, जो 1 सेंटीमीटर के मार्क में लाइंस हैं। इस तरीके से आप छोटा सा कट लगा के वी शेप में यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये हमको सभी लाइंस के लिए करना है, बोथ साइड्स, दोनों साइड को हमको इस तरीके से ही करना है। तो देखिए, इस तरीके से ये मेरा बन रहा है। ये हम आगे यहाँ पे वूल रैप करेंगे तो हमको इजी रहेगा, इसलिए हम ये बना रहे हैं, नहीं तो हमारी वूल निकल जाएगी। आप इस तरीके से वी शेप में साइड में कट दें। देखिए, इस तरीके से ये मेरा एक साइड हो गई है। अब इसी तरीके से हमको दूसरी साइड में भी मार्क करना है। इसी तरीके से वी शेप में हम इसको मार्क करेंगे, सभी लाइंस जो हमने खींची हैं उसी पॉइंट पे हमको लगाना है। तो देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है। अब आप अपने चॉइस के कलर की वूल लें। यहाँ पे मैं पिंक कलर ले रही हूँ और इसको हम रैप करेंगे अपने इस बेस में। तो सबसे डाउन से स्टार्ट किया है, इस तरीके से मैंने लिया और एंड में नॉट लगा दी। अच्छे से डबल नॉट लगानी है जिससे ओपन नहीं हो। तो ये हमारा सबसे लोअर वाली लाइन है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें लेके जाएंगे। इस तरीके से फ्रंट में लेके गई, रैप किया और फिर वूल को हम उसके बीच से निकालें। तो देखिए, इस तरीके से ये दोनों लाइन ज्वाइन हुई है, देखिए। और इसी तरीके से हमको सब लाइंस में ये रैप करना है। तो इस तरीके से फ्रंट में लेके गई, दोनों पॉइंट पे रैप किया और फिर उसको मुझे सेंटर से निकालना है। जो हमने वूल रैप की है उसके सेंटर से हमको अपनी वूल को निकालना है। तो ये मेरी थर्ड लाइन हुई है और इसी तरीके से अब मैं फोर्थ लाइन रैप करूँगी, पॉइंट पे लेके जाऊँगी, उसको फ्रंट में इस तरीके से रैप किया और फिर वूल को उसके बीच से निकाल दिया। तो ये जो है हमारी सब लाइंस आपस में ज्वाइन हो रही है, देखिए साइड में
वो रैप हो रही है और हमारा जो बेस है वो रेडी हो रहा है, इसके ही हिसाब से हम अपनी उसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से रैप किया मैंने फ्रंट में, फिर अपनी वूल को सेंटर से निकाल दिया। बहुत इजी है ये, आप इसको ट्राई ज़रूर करें। और इसी तरीके से हमको अपनी सभी लाइंस जो हमने ड्रॉ की है उसके अराउंड ये रैप करना है। बहुत इजी है, देखिए इस तरीके से मैंने वूल को बीच से निकालना है जिससे हमारे ये सारी लाइंस जो है वो आपस में ज्वाइन भी हो गई हैं। फिर से मैंने उसको रैप किया, सेंटर से लेके गई और अपनी वूल को सेंटर से निकाल दिया। और जो हमने साइड में वी पॉइंट बनाए थे उसमें हम अपनी वूल को फंसाएंगे जिससे वो हिले नहीं, तो इसलिए हमने वो वी पॉइंट के कट दिए थे लाइंस में ताकि हमारी वूल जो है वो उसमें फिट हो जाए और हिले नहीं। तो देखिए इस तरीके से मेरी ये वूल को मुझे रैप करना है अपने सारी लाइंस में। तो देखिए अब लास्ट की लाइन बची है, वो मैं आपको अलग से दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा वूल की लेंथ लेके कट कर देना है और फिर मुझे इसको रैप करना है उसी प्रोसेस से लेके गई। और फिर अब इस वूल को सेंटर से ले जाके मैंने इस तरीके से रैप किया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी ये लास्ट है तो अब मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगी। इस तरीके से आप नॉट लगाएं और उसको एंड तक ले जाके टाइट कर दें और फिर एक बार और हम उसको सेंटर से ले जाके नॉट लगाएंगे। तो इससे हमारी जो ये कैप का एंड है वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। तो देखिए अभी हमारा ये अच्छे से सिक्योर हो गया है और अब जो ये मेरी एक्स्ट्रा लेंथ है वूल की इसको मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारा बेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपनी कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए साइज़ यहाँ पे मैंने एक और साइज़ बनाया, ये बड़े बच्चों के हिसाब से है या एडल्ट साइज़, और एक ये स्मॉल बेबी की कैप का साइज़ है। तो आप जो भी साइज़ बनाना चाहें आप उसी हिसाब से कार्डबोर्ड की स्ट्रिप लें और इसी तरीके से लाइंस बनाते हुए आप अपना बेस रेडी करें। तो देखिए यहाँ पे अब मैं वूल को ज्वाइन कर रही हूँ, जो हमने वहाँ पे नॉट लगाई थी फर्स्ट वाली लाइन में वहीं पे मैं अपनी वूल को अटैच कर रही हूँ नॉट लगा के। इस तरीके से नॉट लगा के मुझे अपनी वूल को अटैच करना है। और अब देखिए इस तरीके से मैं अपनी वूल को फर्स्ट लाइन के अंदर से लेके आऊँगी, ऐसे डबल में लेके आई हूँ। देखिए तो इस तरीके से देखिए मैं लेके आई हूँ, फिर जो वूल है उसके बीच से निकाल के मैंने अपना ये एक फंदा बनाया है एक तरह से आप कह सकते हैं। और इसी तरीके से अब मैं सेकंड लाइन में उसको लेके जाऊँगी अपने फंदे को और फिर वापस से उस वूल में वूल के सेंटर से इस तरीके से निकालूंगी अपने फंदे को। क्योंकि यहाँ पे मैं अपने फंदे को लेके गई और फिर वूल से बीच से निकाला, फिर देखिए वहाँ पे वो रैप हो गया। अब मैं उसको वापस से दूसरी लाइन में लेके जाऊंगी, ऐसे दूसरी लाइन में मैंने उसको नीचे से निकाला, हमको नीचे से निकालना है। फिर उसको ऊपर से मैंने वूल में से सेंटर में से निकाला, फिर मैं उसको दूसरी लाइन में लेके जाऊंगी, फिर मैं वूल से उस फंदे को बीच से निकालूंगी और फिर मैं उसको दूसरी लाइन में लेके जाऊंगी। तो मैं इस तरीके से ऊपर ऊपर उसको लेके जा रही हूँ फंदे को और फिर उसको वूल्स के बीच से इस तरीके से निकाल रही हूँ। एक तरह से हम ये फिंगर क्रोशे कर रहे हैं। तो बेसिकली हमको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। इस फंदे को हम ऊपर ऊपर लेते जाएंगे अपनी जो हमारी रोज़ है ये वूल की, और इस तरीके से हम उसको वूल के बीच से निकालते हुए फंदे को बढ़ाते जाएंगे ऊपर ऊपर। देखिए ऊपर ले गए, फिर उसको वूल के बीच से निकाला,
और इस तरीके से मुझे अपनी ये कैप को बनाना है। एक तरीके से यही प्रोसेस को मुझे रिपीट करते रहना है बार बार, बहुत इजी है। और देखिए यहाँ पे ये फंदा लिया मैंने, उसको इस तरीके से वूल को बीच से निकाला, और अब मैं अपना इसको, क्योंकि मेरी फर्स्ट की सब लेयर्स पूरी हो गई, तो अब मैं इसको बैक साइड लेके जाऊँगी। तो हमको फ्रंट से बैक साइड सभी लेयर्स को कंप्लीट करना है, और वही प्रोसेस हमको रिपीट करना है कि मैं इसको अपनी नेक्स्ट लेयर में लेके जाऊंगी। यहाँ पे हम डाउन डाउन जा रहे हैं, या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमको अपने जो फंदे को पूरी वूल के कैप के अराउंड उसको इस तरीके से लेके जाना है सभी रोज में, और यही प्रोसेस को रिपीट करना है। तो अब देखिए वापस से इसको मैं इसके नीचे वाली रो में ले गई, फिर इसके बीच से मैंने फिंगर निकाली और वूल को रैप किया, फिर मैं इसके नीचे लेके गई, फिर इस फंदे के बीच से मैंने एक और फंदा बनाया, और फिर मैं इसको और नीचे लेके जाऊंगी, फिर वही प्रोसेस रिपीट करूंगी, और इस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी ये पैटर्न कंप्लीट करूंगी। पूरा डाउन तक लेके जाना है। तो पहले हमने फ्रंट का बनाया था, अभी मैं बैक साइड है कार्डबोर्ड की, और यहाँ पे भी हम सारी लेयर्स को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। नीचे तक लेके जाऊंगी मैं इसको, ये देखिए लास्ट वाली है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से किया, तो ये मेरी जो फ्रंट है वो लाइन कंप्लीट हुई है। देखिए ये पैटर्न बनता है हमारा। अब इस फंदे को मैं सेकेंड रो बनाऊंगी, तो इसको इसी तरीके से मैंने, ये फंदा है मेरा, इसको थोड़ा पहले छोटा कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर लूज़ बनेगी कैप, और इसको हम इस तरीके से दूसरी लाइन में ले गए, और फिर वही प्रोसेस रिपीट करना है। वूल के बीच से निकाल के मैंने फंदे को बढ़ाना है। अब वापस से मैं उसको ऊपर लेके जा रही हूँ, वूल के बीच से निकाल रही हूँ, और अब देखिए जैसे पहले मैं ऊपर से नीचे लेके आई थी, अब मैं नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ, और अपनी सेकेंड रो बना रही हूँ। ये बहुत ईजी है, और यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसी पैटर्न से ये कैप बनेगी। तो देखिए ये पैटर्न बन रहा है हमारा, हमको इकट्ठे करते रहने अपने फंदे, और यही प्रोसेस को आप रिपीट करते रहें। देखिए मेरी सेकेंड रो बन रही है, अब यहाँ पे ये ऊपर तक हो गई, तो अब मैं अगेन इसको बैक साइड में लेके जाऊँगी, और यहाँ पे भी वही प्रोसेस रिपीट करूँगी। तो जैसे फ्रंट से हम बैक साइड लेके गए थे, फिर बैक साइड से फ्रंट में लेके आ रहे हैं, फिर फ्रंट से बैक साइड में जाएंगे, बैक साइड से फ्रंट में आएंगे, और यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी ये कार्डबोर्ड का पैटर्न है, ये पैटर्न पूरे कार्डबोर्ड को कवर नहीं करता। हमको यही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो ये बेसिकली बहुत इजी कैप है, नो नेट रो क्रोशे है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो आपको साइज़ बनानी है कैप का, आप वो उतना ही कार्डबोर्ड का बेस लेके स्टार्ट करें। बेस आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, बस आप उसकी विड्थ और लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली वूल लेनी है। जितनी आप मोटी वूल लेंगे उतना आपका पैटर्न ज़्यादा अच्छा बनेगा, बिकॉज आपके जो वूल के बीच के गैप्स हैं फंदे के, वो उतने कम रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा मोटी वूल नहीं मिली मुझे, तो मैं इस बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से जाली वाला पैटर्न आता है, अगर आपको इससे भी मोटी वाली वूल मिले तो आप वो यूज़ करें। अब देखिए ये थर्ड रो बन रही है मेरी। अब यहाँ देखिए मैं नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ फ्रंट साइड में, और यही प्रोसेस को मैं रिपीट करती जाऊंगी जब तक कि मेरा पूरा कार्डबोर्ड जो है वो पैटर्न में कवर नहीं हो जाता। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। आप एक बार अपने आप से भी ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके कुछ भी सजेशंस हो या कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करें। तो यही प्रोसेस देखिए मैं रिपीट करती जाऊंगी जब तक कि मेरा पूरी कैप है वो फिल नहीं हो जाती इस पैटर्न से। आप अगेन यहाँ पे जितनी थिक वूल यूज़ करेंगे आपका उतना अच्छा पैटर्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी एंड के 4 लेयर्स रह गई हैं। तो आप जब कैप बनाते रहेंगे कैप, तो आपको एंड में लगेगा आपकी साइड की 4 लेयर्स ही बची हैं,
तो आप उन्हीं को कवर करें। ऊपर की लेयर्स हमारी कवर हो गई हैं, नीचे की फोर बची हैं, तो अब मैं इसी को अपना पैटर्न इन्हीं के अराउंड बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ से फोर तक ऊपर तक जाऊंगी और फिर बैक साइड में फोर पे नीचे तक जाऊंगी। अब अगेन बैक साइड में नीचे तक फोर तक जाऊंगी। तो आपको ऊपर की लेयर क्योंकि हमारी कवर हो गई है तो हमको टॉप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जगह भी नहीं है पैटर्न के लिए। तो आपको जहाँ जहाँ गैप दिखे फोर लेयर्स या फाइव लेयर्स आप उन्हीं के अराउंड फिर स्टिच करें, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो ये तो इस तरीके से पैटर्न ये हमारा बनेगा। अच्छे से हमको कवर करना है कार्डबोर्ड पे, गैप जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर करें, सारी लेयर्स को एक साइड में करते रहें जब तक वो हो सके। तो देखिए यहाँ पे मेरा पैटर्न कवर हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैं ये हमारा लास्ट फंदा है, अब मैं थोड़ी वूल को अपनी कट कर देती हूँ, इस फंदे के बीच से अपनी वूल को निकाल देती हूँ और यहाँ पे भी मैं एक नॉट अच्छे से लगा लेती हूँ जिससे कि हमारा ये ओपन नहीं हो। टाइट करके उसको मैंने नॉट लगा ली और फिर अपनी एक्सेस वूल को कट कर दिया। अब हम इसको कार्डबोर्ड से निकालेंगे, केयरफुली निकालें, थोड़ा कार्डबोर्ड को प्रेस कर लें और ये बहुत ईजली निकल जाएगी। साइड से जो हमने वी में फंसाई है वहाँ वहाँ से आप निकालें तो हमारी कैप जो है वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए कैप बनी है ये। सो जो भी आपको साइड से थ्रेड्स अगर लटक रहे हैं तो आप उसको कट कर दें, जो हमने स्टार्टिंग में एंड में लगाए थे। और इस तरीके से देखिए ये पैटर्न बनता है कैप का। और अब हम एक पॉम्पॉम बना रहे हैं कैप के सेंटर में लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वाइट कलर का लिया है, तो इस तरीके से मैं इसको रैप करूँगी अपने फिंगर्स के अराउंड। 30-40 टाइम्स रैप करें, फिर सेंटर में थोड़ा सा रैप करके मुझे वूल को कट करना है और सेंटर से टाई करना है। अच्छे से नॉट लगा के हमने टाई किया और अब मैं इसको कट करूंगी। अच्छे से हमको ट्रिम करना है इसको और हमको पॉम्पॉम एक राउंड शेप में चाहिए, तो आप अच्छे से उसके कॉर्नर्स को ट्रिम करें। यहाँ पे पॉम्पॉम रेडी हो गया है हमारा। इस तरीके से हम उसको थ्रेड नीडल की हेल्प से यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो हमारी बेबी की कैप रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सब